नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। इस समय की बड़ी खबर बिल्हौर, आज दिनांक 24 अप्रैल मार्च 2020 को बिल्हौर पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार अवस्थी ने भारी पुलिस बल के साथ कानपुर नगर कन्नौज उन्नाव कानपुर नगर सीमा को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी क्राइम राम शरण कटियार की रिपोर्ट। इस समय मैं कानपुर जनपद के बिल्हौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ। इस यहाँ से थोड़ी दूरी पर कन्नौज जनपद का बॉर्डर लग जाता है और बाएं हाथ पे थोड़ी दूरी पर उन्नाव जनपद का बॉर्डर लग जाता है। बिल्हौर की पुलिस ने पूरी तरीके से बॉर्डर को सीज कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है। आप देख रहे हैं कि टोटल रोड यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था से चुस्त दुरुस्त होकर के लॉकडाउन कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कोई भी वाहन कहीं पर जाने नहीं दिया जा रहा है, केवल आवश्यक सेवाएं ही चालू की जा रही हैं। बाकी सभी को बिल्कुल पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इस समय हमारे पास यहाँ पर बिल्हौर प्रभारी थाना प्रभारी महोदय भी उपस्थित है। जरा इनसे जानना चाहता हूँ कि महोदय, यहाँ पर आपने जो लॉकडाउन किया है, ये क्या सरकार के कहने से आपने पूरी तरह से इसको अपना कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने सुरक्षा और बचाव के जो उपाय लागू किए हैं उन्हीं के तहत और कानपुर को लॉकडाउन किया गया है। तो कानपुर में बाहर से आने वालों का प्रवेश रोका जा रहा है ताकि कानपुर शहर में किसी तरह की बीमारी का कोई प्रभाव न दिखाई पड़े। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ लगे और सरकार की मंशा के मुताबिक आदेशों का पालन कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी महोदय। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि सभी रोड पूरी तरह से लॉकडाउन है। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सभी गाड़ियों को लॉकडाउन कर दिया है। ये आपका कन्नौज रास्ता जाता है, कन्नौज का आगे बॉर्डर पड़ता है, इसके बाद ये रास्ता आपको उन्नाव जनपद के लिए जाता है, इसको भी लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरी तैनाती के साथ में यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है। किसी भी वाहन को नहीं निकलने दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, पूरी तरह से बॉर्डर को यहाँ पर सीज कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी प्रवेश वर्जित कर दी गई है। किसी प्रकार से कोई भी वाहन, चाहे दुपहिया वाहन हो चाहे चौपहिया वाहन हो, सभी को लॉक कर दिया गया है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार की मंशा का प्रति पूरा ही काम किया जा रहा है। दैनिक लाइव न्यूज 24 से राम शरण कटियार की।